तो हमने अभी तक इस टॉपिक में जो भी कुछ सीख लिया है उसके बेसिस पे हम यहाँ पर समरी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स, यानी कि जो पॉलीसैकेराइड्स रहते हैं वो लंबी चेन्स होती हैं शुगर्स की। सेल्यूलोज एक ऐसा पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड होता है जो कि सिर्फ एक ही टाइप की मोनोसैकेराइड से बना होता है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। पॉलीसैकेराइड चेन के अंदर राइट एंड को हमेशा हम रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं और लेफ्ट एंड को हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। स्टार्च एक हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और वो साथ ही आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को भी वहां पर होल्ड कर लेता है, जो कि इन हेलिकल पोर्शन के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, और इसी वजह से स्टार्च आयोडीन के साथ मिलकर ब्लू कलर देता है। नेक्स्ट ये है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स के पास में बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो शुगर्स और केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल इसके हैं ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन एक्सेट्रा। यहाँ हम वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं, तब तक सभी बच्चे इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लें। नेक्स्ट इज, अ न्यूक्लियोटाइड हैज थ्री केमिकली डिस्टिंक्ट कॉम्पोनेंट्स। वन इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सेकेंड इज अ मोनोसैकेराइड एंड द थर्ड इज अ फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट रहती है, यानी कि वहां पर एक हेट्रोसाइक्लिक बेस प्रेजेंट होता है, साथ ही एक मोनोसैकेराइड यानी कि एक शुगर और एक प्रेजेंट होता है वहां पर फॉस्फेट ग्रुप। ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर, वो बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस रहते हैं, जिनका नाम होता है एडिनाइन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन या फिर थाइमीन। इन पांचों में से ही कोई एक नाइट्रोजनस बेस जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर प्रेजेंट होगा। शुगर की अगर हम बात करें इन पॉली न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, तो वो या तो रहते हैं राइबोज या फिर डीऑक्सी राइबोज। नेक्स्ट यहाँ पर है, ऐसा न्यूक्लिक एसिड जहां पर शुगर जो होती है वो डीऑक्सी राइबोज होती है, तो उस न्यूक्लिक एसिड को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए। और जहां पर केवल राइबोज शुगर देखने को मिलती है, उन न्यूक्लिक एसिड्स को हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए। यहां भी हम वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं, तब तक सभी बच्चे इन पॉइंट्स को भी नोट कर लें। यहाँ आपके सामने रेफरेंस क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसी टॉपिक पर ये बेस्ड है।